हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं सीजीपीएस के प्रीलिम्स ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न इस वर्ष आयोजित होने वाले व्यापम और पीएससी दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। हमने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेशन कवर कर लिया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। इसके सेकंड पार्ट के तौर पे हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आए हैं ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो देखते हैं आज का सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन को। देखिए वहां पे क्वेश्चन नंबर वन है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। ऑप्शन आर परम टू, परम सिद्धि एंड प्रत्युष। आपको पता होगा प्रत्युष जो है एक मेटेरोलॉजिकल दृष्टि से क्या है, एक महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर था जो भारत का सबसे फास्टेस्ट हुआ करता था, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब परम सिद्धि के द्वारा वर्ष 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, अभी वर्तमान दृष्टि में, वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो परम सिद्धि हमारा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और याद रखेंगे इसका रैंक 63 है, मतलब 63 नंबर का जो है आपका इसका रैंक है ग्लोबल सिनेरियो पे, मतलब विश्व में 63वें नंबर का। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर हमेशा से एग्जामिनर का एक फेवरेट जोन रहता है, इसलिए इसे भी याद रख ले कि सबसे फास्टेस्ट जो है फुगाकू हुआ करता था जो जापान का था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक यूएसए के सुपर कंप्यूटर के द्वारा, जिसे हम कहते हैं फेसबुक की मेटा कंपनी का है, एक्चुअल में उसे कहते हैं RSC, है ना, AI बेस जो है, AI RSC ऐसा लिखा होगा। ठीक है, AI बेस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेस जो है RSC, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च सुपर क्लस्टर, याद रखेंगे ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आप पहला क्वेश्चन आप याद रखेंगे, परम सिद्धि फास्टेस्ट है इंडिया का, और वर्ल्ड सिनेरियो में देखा जाए तो AI RSC रिसर्च सुपर क्लस्टर, ठीक है, जो फेसबुक कंपनी का है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, वर्ष 2021 में असम से बाओ धान, जिसे रेड राइस भी कहा जाता है, अमेरिका भेजी गई, रेड राइस में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है जो अमेरिका ने इंपोर्ट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था, है ना। ऑप्शन आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक। तो याद रखेंगे रेड राइस जो है फेमस था फॉर आयरन के लिए ये फेमस था। ठीक है, और ये बता दें ये क्या है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू इसे क्या है ग्रो कराया जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, असम की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी तलहटी क्षेत्र में या उसके पास आसपास के क्षेत्र में इसे उगाया जाता है। ठीक है, को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे लिखिए मैच द फॉलोइंग है लूसी मिशन, अमेजोनिया, नौका और उपरोक्त सभी क्या है। तो देखिए लूसी मिशन क्या है, बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाना, ठीक है, ट्रोजन एस्टेरॉयड जो है उसका पता लगाने के लिए लूसी मिशन बहुत फेमस है। लूसी इसका नाम है जानते हैं, ह्यूमन बींग का जो एक कहना चाहिए एंसेस्टर है उसे होमिनिन प्रजाति कहते हैं। होमिनिन प्रजाति और जो मनुष्य का जो एक पूर्वज है उसको संदर्भित करते हुए लूसी नाम दिया गया है, और ये नासा का प्रोजेक्ट था, और बेसिकली ये याद रखेंगे ये बृहस्पति यानी कि जुपिटर के जो एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए इसे भेजा गया है। 10 से 12 वर्षों तक ये वहां पे काम करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये। ठीक, उसके बाद देखिए अमेजोनिया के बारे में याद रखेंगे, इसे भारत के द्वारा PSLV C-51 से छोड़ा गया था। ठीक है, और याद रखेंगे अमेजोनिया, अमेजन वर्ड है ना, अमेजन कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ब्राजील का मैक्सिमम पार्ट जो है अमेजन रिवर के नाम पे, वहां पे अमेजन फॉरेस्ट भी है, आपको पता होगा। तो ये बेसिकली अमेजन फॉरेस्ट में होता क्या रहा था, वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, कम से कम वहां पे डिफॉरेस्टेशन करने के लिए, रोकने के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि पेड़ों के कटाव को रोकने के लिए उनको एक सैटेलाइट की जरूरत पड़ी जो फोकस हो, क्योंकि अमेजन जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो उन्होंने एक ऐसा उसी को डिवोटेड करते हुए एक सैटेलाइट छोड़ा, और उसे छोड़ने में मदद किसने किया, भारत ने किया, PSLV C-51 से इसे छोड़ा है कहां पे, स्पेस में, और ये ब्राजील का जो है अर्थ अवलोकन ग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेजोनिया को भारत ने छोड़ा था, पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा याद रखेंगे
आपको पता होगा कि इसरो की दो व्यावसायिक कंपनियां हैं, दो कमर्शियल यूनिट है। एक होता है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो अब तक जो है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है कमर्शियल यूनिट, पहला जो है कमर्शियल इकाई है इसरो की, और दूसरी जो दो वर्ष 2019 में स्थापित हुई है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि NSIL का फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये, ठीक, NSIL का फर्स्ट प्रोजेक्ट था कौन सा, PSLV C-51, जिसमें कि ब्राजील का जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हमने छोड़ा था। तो ये दो तो सही मैच है। आगे चलते हैं, नौका, रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, प्लीज फ्रेंड्स इसे नोट कर लें, ये जो है रिसेंट का एक अपडेट है। ये सबसे बड़ी स्पेस में जो है ISS जानते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये जो है सबसे बड़ा जो है रूस का है नौका, ये अभी हाल ही में इसे भेजा गया है, ठीक, बनाया गया है। तो इस प्रकार देखते हैं, ABC तीनों मैच्ड है, तो D इज द राइट आंसर, इसका उत्तर क्या होगा, D होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए प्लीज मैच दिस, दैट ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस, स्पेस एक्स एलन मस्क, वर्जिन गैलेक्टिक रिचर्ड ब्रांसन, और D उपरोक्त सभी। तो ये भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसे एज इट इज बिल्कुल करेक्ट मैच है। सब याद रखिएगा कि एक ऐसा सेक्टर निर्मित हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पेस टूरिज्म, अंतरिक्ष पर्यटन। तो ये पहली बार एक ऐसा क्षेत्र को चुना गया है जहां पे इनफाइनाइट जो है संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। तो यहां पे ये जो है जितने भी कंपनी दिख रहे हैं और ये जो फाउंडर के नेम हैं, ये करेक्टली मैच्ड है। और याद रखेंगे, एक ऐसा सेक्टर स्पेस टूरिज्म का क्रिएट हुआ है जहां पे अनगिनत संभावनाएं हैं, और हम फ्यूचर में हम लाइक मून पे जा सकेंगे, हम मार्स पे जा सकेंगे, और जाके वापस लाइक आप समर वेकेशन मनाने, आप समझो कि आप मून पे जा रहे हैं और वेकेशन मना के फिर वापस आएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की चीजें होने वाली हैं, क्योंकि ये क्रांतिकारी कदम है, वर्ष 2021 का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, इसलिए ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, थोड़ा बहुत और अपडेट मैं बता देता हूं कि ब्लू ओरिजिन कंपनी, जिसके फाउंडर अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस है, और जेफ बेजोस प्लस 3 और मेंबर ने लो अर्थ ऑर्बिट में वो गए, उनके लाइक रॉकेट, न्यू सेफर्ड कैप्सूल या रॉकेट से वो ऊपर गए थे और सक्सेसफुली वो वापस लौट आए थे। तो ये कह सकते हैं वो करीब 120 किलोमीटर हाइट पर गए थे। तो आप किसी को देखो, ये क्या है 120 किलोमीटर हाइट, जहां पे हवा वगैरह नहीं रहती है, यानी कि हम ऐसे जोन पे जा रहे हैं जहां पे हम स्पेस में घंटों बिता के वापस लौट रहे हैं, ये एरोप्लेन में जाने वाली घटना नहीं है, याद रखेंगे, है ना। तो ये आपका न्यू सेफर्ड कैप्सूल याद रखेंगे। उसके बाद स्पेस एक्स एलन मस्क के बारे में भी याद रखेंगे, ये क्या है, टेस्ला मोटर के फाउंडर है, और इन्होंने भी क्या है, ये भी क्या है, मून और मार्स यानी मंगल ग्रह पर अपना मिशन 2024 तक वो भेजने वाले हैं कि कोई व्यक्ति वहां पे जाके ट्रेवल करके वापस लौट सकता है, ठीक है। इनकी कैप्सूल का नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये सामान्य घटना बिल्कुल नहीं है, ठीक। इसके बाद देखते हैं वर्जिन गैलेक्टिक, ये रिचर्ड ब्रांसन साहब हैं, ये भी क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में 80 किलोमीटर के आसपास हाइट पर जाके वो लौट के आए थे। ये कैसे, बहुत ही लाइक एडवेंचरस पर्सन है, बरमूडा ट्रायंगल पे भी इन्होंने जाने का प्रयास किया था और जाके वो सक्सेसफुली लौट के आए थे, है ना, उसके पास वाले क्षेत्र में, नॉट एग्जैक्टली। तो याद रखेंगे, तो रिचर्ड ब्रांसन का जो है इनकी कैप्सूल का नाम है VSS Unity। बस आप यहाँ कैप्सूल का नाम याद रखें तो अच्छा है, बट ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक। ये तीनों चीजें आपके लिए करेक्टली मैच है, इसलिए उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। ये बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हम। हाल ही में 2021 में इसरो के द्वारा किस महत्वपूर्ण सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो यहां पे देखिए, ये सबसे पहले ये क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये कहना चाहिए इसरो का सबसे लेटेस्ट मिशन है, इसलिए हम इसे शामिल किए हैं। अनफॉर्चुनेटली यह मिशन जो था फेलियर रहा था, लेकिन हम फिर भी इसे इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि ये क्या है, लेटेस्ट मिशन है इसरो का,
जो 12 अगस्त 2021 को 2021 को छोड़ा गया था, और इसे छोड़ा गया था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 03, इसे छोड़ा गया था। एक्चुअल में क्रायोजेनिक की तीन स्टेज होती है, 1, 2 और 3। तो यहां पे फर्स्ट और सेकेंड सक्सेसफुली रहा था, थर्ड जो हो गया था फेल हो गया था। दैट्स वाई ये पूरा मिशन ही फेल हो गया था। तो याद रखेंगे ये क्या है, इसरो का लेटेस्ट मिशन कौन सा है, तो EOS-03 याद रखेंगे, ठीक है। डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, मैच द फॉलोइंग। पहला गया ए मार्स प्रोब, चीन का मार्स मिशन, मून प्रोब चीन का मून मिशन, लोपेक्स और भारत और जापान का संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण। ये भी इंफॉर्मेटिव है, याद रखेंगे, ये सभी करेक्टली मैच्ड है। आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने इसे शामिल किया। देखिए वर्ष 2021 की कुछ प्रमुख घटनाओं में से ये घटनाएं भी हैं जो बहुत ही लाइक पहली बार हुई है, ऐतिहासिक है कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्स प्रोब के बारे में, चीन का जो है मंगल मिशन था जिसे मार्स प्रोब कहा गया, और इसमें जो यान का नाम था तियानवेन न्यूज में रहा था, याद रखेंगे तियानवेन। और इसमें जैसे कि हमारा हमने छोड़ा था, तो मंगल यान क्या है, मंगल ग्रह के चारों तरफ हम क्या, हमारा ऑर्बिटर क्या है, चक्कर लगा रहा है। और हम याद रखेंगे कि वहां पे मंगल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो मतलब वो क्या है, ऑर्बिटर है, ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे तो ऑर्बिटर। लेकिन वहां पे लैंड कर चुका है कौन, तियानवेन, और इसका जो लैंडर का नाम था उसका नाम था जुरोंग, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट, अंदर की चीजें नहीं पूछेगा, बस याद रखेंगे जुरोंग क्या है, इसके लैंडर का नाम था, लैंड किया है मंगल की धरती पर। इसके बाद देखते हैं मून प्रोब, चीन का मून मिशन है बिल्कुल, ये भी करेक्टली मैच्ड है। और याद रखेंगे चांग ई फाइव क्या है, इसके थ्रू क्या है, वहां पे मून पे उतरा है। और 1970 के आसपास, मतलब 1969 में अपोलो मिशन की बात से पहली बार, यानी कि कहना चाहिए सेकंड बार, जैसे फर्स्ट टाइम में तो आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन वहां पे उतरे थे, अब क्या है सेकंड बार में यहां पे कोई ऐसा लाइक सैटेलाइट वहां पहुंचा है, और वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाया है, किसका, मून से सैंपल कलेक्ट करके वापस धरती पर लौट के आया है। तो ये क्या है, दूसरी बड़ी घटना थी 2021 में। तो चीन का मून मिशन, मून प्रोब याद रखेंगे, आपको डेट वेट नहीं पूछेगा, है ना। और अगर फिर भी आप जानना चाहें, जैसे कि इसमें क्या है, ये मई 2021 की घटना में है, दो ऐसे कंट्री ने वर्ष 2021 में मंगल की धरती पर पहुंचे थे, एक है चाइना, दूसरा है यूएसए। यूएसए जो जुलाई में जाएगा, ठीक है, आपको अभी इस क्वेश्चन में हमने शामिल किया है परसीवरेंस रोवर के रूप में, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए लुपेक्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हम चंद्रयान टू के समय में हम क्या है, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग करने का प्रयास किए थे। आपको पता होगा कि चंद्रयान टू में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई थी, रोवर और लैंडर जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, और ऑर्बिटर काम कर रहा है अभी भी, ऑर्बिटर जो मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और जो हमारा लैंडर था विक्रम और जो हमारा रोवर था प्रज्ञान, ये दोनों क्या है वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि हम लैंडिंग में फेल हो गए थे। तो अब हमको मदद कौन करने वाला है, जापान, और वो हमको क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ इंडिया जापान, यानी कि लुपेक्स मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हम इसके साउथ पोल में फिर से लैंड करने का सफलतम प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कौन मदद कर रहेगा, जापान। ये बात सभी क्लियर होगी, तो ए बी सी तीनों करेक्टली मैच्ड है, तो डी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम देखिए एसटीआई का भविष्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार, शिक्षा कौशल कार्य पर प्रभाव, है ना, किस प्रमुख राष्ट्रीय दिवस का थीम था। याद रखेंगे करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे भारत की आजादी के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनने लगी, तो वैसे ही भारत की आजादी के बाद भारत को विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान नीतियां बनाई गई। तो 2013 के विज्ञान नीति के बाद से अभी हम नए विज्ञान नीति पर हम क्या है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम अग्रसर है, नया विज्ञान नीति लाने वाले हैं। तो याद रखेंगे अभी हमारा नया विज्ञान नीति बहुत जल्द आएगा, ठीक है, उसका मसौदा तैयार हो चुका है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार की चीजें आती हैं, एसटीआई साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है,
इसका क्या है, शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव, किस महत्वपूर्ण दिवस के दिन हुआ था, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, रमन प्रभाव, डॉक्टर सी वी रमन के रमन प्रभाव की खोज किए दिवस के दिन, जहां पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इस तारीख को जो है बनाने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता, तो इस दिन का ये क्या है, थीम था। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। ये बात सभी क्लियर हो गई। परसीवरेंस रोवर जो हाल ही में मंगल ग्रह पर उतरा है, इसका संबंध किस देश से है, चीन, यूएसए, जापान और नीचे फ्रांस। तो यहाँ पे चीन, जापान और यूएसए, यहाँ पे देखिए चीन ही एकमात्र कंट्री है, उसके बाद यूएसए सेकेंड कंट्री है, जो मैंने बताया था कि वर्ष 2021 में मार्स पे पहुंचने वाला देश था। तो यहाँ पे देखो उसने क्या है, मई में, किसने, चीन में मई 2021 में पहुंचा था, है ना, मई 2021 में। तो ये क्या है, जुलाई 2021 में ये कहाँ पे, आपके मार्स पे ये पहुंचे हैं। ठीक, याद रखेंगे, ये भी लैंड कर चुका है। तो लैंड पे करने वाले दो कंट्री हो गए, चाइना और यूएसए। ठीक, हम तो अभी उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ये बातें सभी क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए आगे, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का द्वितीय चरण हाल ही में पूरा हुआ है, किस वर्ष हुआ है, ये 2021 2022 और 2000, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे NSM, इसे जरूर याद रखेंगे। ये 7 वर्षों के लिए क्या प्रारंभ किया गया था, 7 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया था 2015 से 2007 साल जोड़ दो, तो 7, 5, 12 मतलब 2022 तक ये क्या है, चलने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से पूरा हो चुका है। तो अगर 2022 तो अभी रनिंग है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा, ये NSM का एक फर्स्ट टेन्योर होगा। NSM का जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो है कार्यकाल क्या है, 15 से लेकर 22 तक, लेकिन पूरा हुआ है, पूछा है, इससे 2021 का सही उत्तर होगा, क्योंकि हाल ही में 2021 में हम सेकेंड स्टेज कंप्लीट कर लिए और फाइनल स्टेज में हम फाइनली एंटर कर चुके हैं, जो 2022 में खत्म होगा। ये बातें याद रखेंगे। जितने भी आपके परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हो, परम सिद्धि हो, ये सब चीजें इसी NSM के तहत बनाई गई है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो भारत को सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या आत्मनिर्भर करने वाले के लिए जो है ये बनाया गया था, ताकि हम डिजिटल इंडिया मिशन और दूसरे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। हमारी जो इसमें कंप्यूटेशनल कैपेसिटी कितनी थी, संगणन क्षमता 16 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, ये क्या है, फ्लॉप्स है ना, यहां इतना हमारा टारगेट है था, जो हम पूरा कर चुके हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए नोबेल प्राइज और उसके नोबेल लॉरेट का नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोबेल प्राइज, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो नोबेल प्राइज आपको पढ़ के जाना ही होता है हर हाल में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अडेम पटापाउटियन। फिजिक्स का नाम है शिगुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन, जियोर्जियो पेरेसी। और केमिस्ट्री का बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन और उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि ये नाम बड़े डिफिकल्ट थे, आपको चीज़ें लर्न हो सके, समझा जा सके, इसलिए मैंने इसे इन्फॉर्मेटिव बनाया है। सभी ऑप्शन जो है नोबेल प्राइज के करेक्टली मैच रहे, तो बस यहाँ पे नाम याद रखेंगे। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, जूलियस, डेविड जूलियस और अडेम पटापाउटियन। ठीक है, याद रखेंगे, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, आपको पता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें याद रखेंगे PPLC, ठीक है, यानी फिजिक्स, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, केमिस्ट्री, इसके बाद क्या है, लिटरेचर, ये 4 चीजें हो गई, PPCL भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर का आ जाता है आपका पीस, और लास्ट में होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये 6 महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं, PPCL और PEC याद रख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे जो है नोबेल पुरस्कार सबसे पहले आपका किससे स्टार्ट होता है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इस प्रकार चीज़ें चलेगी। ठीक है, लास्ट में जो होता है, देखो यहाँ पे 4 अक्टूबर से प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे, 4, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, इस पर सीधा 11 अक्टूबर इस टाइप से आता है, तो बस ये याद रखेंगे। तो आप मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो मिला था, आपको एक दो वर्ड की वर्ड याद रखेंगे, इसके लिए याद रखेंगे
सोमैटोसेंसेशन, सोमैटोसेंसेशन यहां पे क्या है देखिए, सोमैटोसेंसेशन मतलब जैसे हम जो देख रहे हैं, जो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हम जो देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमको हम महसूस कर रहे हैं, लाइक टच, ठीक है। तो ये क्या है, उस पर जो रिसेप्टर होता है ना, जब क्या है हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श कोई करता है तो हम महसूस करते हैं, जो रिसेप्टर होता है, तो उस पर शोध किया था किसने, डेविड जूलियस और अडेम पटापाउटन ने। तो सोमेटो स्टे जो है सेंसेशन पे इनका काम जो था, इनका योगदान के लिए वर्ष 2021 में क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक टर्म याद रखेंगे, ये टर्म आपको सीधा एग्जाम के ऑप्शन में दिखेगा, ठीक है, उसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, तो यहाँ पे शुक्रो मनाबे, तो शुक्र मनाबे से याद रख सकते हैं, क्लिक हैसलमैन और जियोर्जियो पेरेसी, जियो सिम से याद रख सकते हैं, शुक्र मनाबे, हैसलमैन, जियो से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इनका योगदान नोबे जो है फिजिक्स के सेक्टर में था, और फिजिक्स में इनका भी क्या है, एक की टर्म याद रखेंगे, ये की टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है जितने भी जो कॉम्प्लेक्स जो है रिएक्शन होता है, ठीक है, जटिल भौतिक प्रणालियां, जटिल भौतिक प्रणालियां, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के लिए क्या है, जटिल भौतिक प्रणालियां कि इसके लिए इनका जो है बेसिकली क्या है योगदान था, इनका इस पर शोध किए थे, ठीक है, जटिल भौतिक प्रणालियां, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पर इनका शोध था, ठीक। इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, इसको देखो अगर आप इलाबोरेट करके पढ़ना चाहें तो करंट में और पढ़ा जा सकता है, बट यहां पे मैं कीवर्ड बता रहा हूं, ठीक है, इससे आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू सी मैकमिलन, तो दो याद रखेंगे, है ना, सीधा बेंजामिन या लिस्ट मैकमिलन याद रखेंगे, लिस्ट और मैकमिलन से सीधा सीधा ये दो ही नाम है याद रखेंगे। अब यहां पे जैसे क्या है, ऊपर का जैसे सोमैटो सेंसेशन कीवर्ड था, यहाँ पे जटिल भौतिक प्रणालियां कीवर्ड था, यानी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था, वैसे यहां पे भी एक कीवर्ड है इस केमिस्ट्री में याद रखेंगे, ये है ऑर्गेनो कैटालिसिस, ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक, कैटालिसिस समझते हैं, जो जैसे उत्प्रेरक के लिए हम कैटलिस्ट वर्ड यूज कर देते हैं, तो कैटालिसिस वो प्रक्रिया है उत्प्रेरण का, तो ऑर्गेनो कैटालिसिस वर्ड होगा, तो आप याद रख लेना उसे संबंधित क्या है इनका खोज था, क्या था कि जो अणुओं का जो निर्माण होता है, मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन जो होता है अणुओं के निर्माण में, अणुओं के निर्माण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉरी जो है मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन की जो सरल विधि, अणुओं के निर्माण की सरल एवं इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो मैथड है इन्होंने डिस्कवर किया था, पर्यावरण के प्रति जो है बहुत ही क्या है अस्वच्छतम मेथड यूज किया बनाया था, कि मॉलिक्यूलर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि आपको मेडिसिन बनाना है, आपको पेस्टिसाइड बनाना है, बहुत सारे कंपाउंड बनाना है, तो ऐसा मेथड जो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही कहना चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है, तो इस प्रकार क्या है इनके जो योगदान था इसको लेकर था, कि ऐसी सरल और स्वच्छतम विधि जिसके कारण अब दवाइयों का निर्माण, पेस्टिसाइड का निर्माण, आपके बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण किया जा सकेगा, और हम एनवायरनमेंट को भी क्या है प्रोटेक्ट कर पाएंगे, यानी उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो इस जो महत्वपूर्ण विधि के लिए है ना, अणुओं के निर्माण के लिए यानी कि मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसी सरलतम विधि ज्ञात करने के लिए या इजाद करने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन आपको मिला है। तो ए बी सी तीनों सही उत्तर है, डी इज द राइट आंसर याद रखेंगे, क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नोबेल प्राइज के कुछ और क्वेश्चंस को, वर्ष 2021 में नोबेल प्राइज के कुछ और यहां पे दिया हुआ है, विनर का नाम और एरिया देखिए सुमेलित कीजिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव, ठीक है, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, उसके बाद नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजा गुरना, ठीक है, ठीक है, यहां पे याद रखेंगे नोबेल का शांति पुरस्कार, पीस, नोबेल पीस प्राइज याद रखेंगे, मारिया रसा और दिमित्रो जो है मुरातोव को मिला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष एक इंडेक्स जारी किया जाता है, उसे कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें कि इंडिया भी बहुत पैथेटिक कंडीशन में है,
बहुत ही खराब कंडीशन में, जैसे कि नॉर्वे वगैरह जो है वन रैंक आता है मान लो, है ना, ये 2021 का मैं बता रहा हूँ। तो अगर इंडिया यहाँ पे देखा जाए, इंडिया जो है यहाँ पे देखा जाए तो इसका रैंक है 142, जो बहुत खराब है। रशिया जो है 150 में आता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक फिलीपींस एक कंट्री है, तो वहां पे इसका जो है रैंक कितना है कि 138 है। तो यहाँ पे एक जो है मारिया रसा और दिमित्री मुरतेव जो है, एक जो है फिलीपींस से या दूसरे जो है आपके यहाँ पे देखते हैं रशिया से है। इनकी कंडीशन कितनी खराब है इंक्लूडिंग इंडिया, कि आप मीडिया को आजादी नहीं दे रहे। जैसे भारत में भी देखा गया है कि मीडिया पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का, कि बहुत सारी चीजों के, चाहे वो सोशल मीडिया के सेक्टर में हो, चाहे वो न्यूज मीडिया के सेक्टर में हो, लेकिन कुछ तो है, हमको पता है कि कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक पूर्व शर्त होती है, ये इसी में कहा गया है कि डेमोक्रेसी को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, है ना, ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर सबके राइट छुपे होते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, आप सभी जानते होंगे। तो ये क्या है, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रॉपर हो, वहां पे उनको आजादी पूरी मिले, तो लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। तो इसके लिए इन दोनों को योगदान, इनके योगदान के लिए को सराहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। दिमित्री मुरातेव जैसे नाम से ही आपको सिमिलर टाइप का लग रहा है, ये रशियन है, और मारिया रसा जो है फिलीपींस से है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। डेबिट कार्ड जैसे कि हमको एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड कह दिया था, इस पर याद रख सकते हैं। और जोसुआ एंग्रिस और गुइडो इवेंस, ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी कह सकते हैं, डेबिट कार्ड ए मान लिए और इसको कंबाइंड को बी मान लिए, तो यहाँ पे दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है, जैसे कि ऊपर के कंडीशन में भी। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड जो है लेबर इकोनॉमिक्स, श्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनको दिया गया है, और जोसुआ एंग्रिस को उनको साथ में संयुक्त रूप से दिया गया है। इन सभी का बेसिकली योगदान था कि नौकरियों का सृजन कैसे हो, है ना, लाइक लेबर इकोनॉमिक्स, श्रम बाजार के संबंधित जो है इनका बेसिकली रिसर्च था। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये भी करेक्टली मैच है ए और बी। सी नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजा गुरनाह, याद रखेंगे। एक कंट्री है तंजानिया, आप जानते होंगे तंजानिया के पास एक आइलैंड है, उसे कहते हैं जॉन्जीबार आइलैंड से ये बिलोंग करते हैं, और इनका एक जो है बुक है ना, इनका बुक जो है जिस पर जो इन्होंने शोध किया था, यानी कि जो अपने अनुभवों के आधार पर उस बुक में उल्लेख किया है कि जो कॉलोनिज्म उपनिवेशवाद की जो है, जो उसकी संस्कृति है, उसका प्रभाव है, और महाद्वीपों के बीच की जो खाई है, ठीक है, मैं कहूँगा कि उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच की खाई के बीच में जो शरणार्थी होता है, वो उसकी जो है बेसिकली उसकी मन स्थिति या उसके बारे में वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और किस प्रकार वो क्या है लाइक करुणामय हो जाता है, उससे संबंधित है, याद रखेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, याद रखेंगे उपनिवेशवाद की संस्कृतियों, उसके प्रभावों तथा महाद्वीपों के बीच जो खाई बनती है, उसके बीच शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी, है ना, उनकी मनस्थिति या उसका कह सकते हैं करुणामय पैठ बनाने के लिए जो योगदान है ना, तो उसमें क्या है, उससे संबंधित चीजें लिटरेचर उन्होंने लिखा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, याद रखेंगे ये जॉन्जीबार याद रखेंगे यहां से है, ठीक है। ये बात है सभी क्लियर हुआ, तो ए बी सी तीनों करेक्टली मैच्ड है, डी इज द राइट आंसर, ये बात है सभी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं हम वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित सम्मान रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रोफेसर नीना गुप्ता, प्रोफेसर लीना गुप्ता, लास्लो लोवाज, एबी विचर्डसन, ठीक है, याद रखेंगे। ए इसका सही उत्तर है ना, प्रोफेसर नीना गुप्ता ISI, है ना, ये वो वाला ISI नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की प्रोफेसर है। और बेसिकली जो रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है, नाम रामानुजन पुरस्कार ऐसे यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है जिनकी जो है उम्र 35 वर्ष से नीचे हो या 35 वर्ष तक हो, ठीक है। तो एक किसको मिला है वर्ष 2021 का, प्रोफेसर नीना गुप्ता को मिला है, ये बात है सभी क्लियर हुई। और यहाँ पे देखिए सी और डी ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसलिए शामिल किया है कि वर्ष 2021 का एबेल पुरस्कार
है ना, ये भी मैप्स के सेक्टर में दिया जाता है, इसे दिया गया है इन दोनों को, लास्लो लास्लो लोआर्ज और ए बी विचर्डसन को, ठीक है। उसके बाद देखिए वज्र कवच का संबंध निम्नलिखित से किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आज के सेशन का, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले नाभिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र में, कोविड 19 अग्रसित क्षेत्र में। वज्र कवच, जैसे अभी कोविड 19 का पूरा मैटर चल रहा है, तो कोविड 19 की लाइक विपरीत परिस्थिति में है ना, एक ऐसा जो है वज्र कवच इजाद किया गया जिससे कुछ ही मिनटों में, जैसे जो भी इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, पीपीई किट यूज करते हैं आप, N95 मास्क यूज करते हैं आप, जितने भी लाइक मेडिकल जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इनको वज्र कवच से आप पास करा दो तो कुछ ही मिनटों में ये डिसइंफेक्ट हो जाता है, यानी कि जीवाणु रोधी हो जाता है पूरी तरह से, वो क्या है लाइक बैक्टीरिया जो है वायरस रोधी हो जाता है, कह सकते हैं कि वो उसमें आप यूज किए हैं उसमें पास कर दो कुछ ही मिनटों में, वो फिर से रीयूज के लायक हो जाएगा क्योंकि डिसइंफेक्ट हो जाएगा 100%। तो वज्र कवच का संबंध कोविड 19 से है, याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसके बाद देखते हैं लास्ट स्लाइड आज के सेशन का, व्योम मित्र का संबंध किस प्रमुख मिशन से है, मंगलयान 2, चंद्रयान 3, गंगनयान और आदित्य L1। तो व्योम मित्र याद रखेंगे, इसका संबंध गगनयान से है, जो क्या है एक हाफ ह्यूमनाइड है, हाफ ह्यूमनाइड का मतलब एक रोबोट ही है, और ये क्या है हाफ ह्यूमनाइड, हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पैर नहीं है, और इसमें क्या है गगनयान मिशन जो वर्स ऑफिशियल डेटा के हिसाब से, जो गवर्नमेंट जो है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के स्टेटमेंट के हिसाब से जो द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, हम इसे कहेंगे 2023, ठीक है, 2022 के अंत तक भी लिखा हुआ है, लेकिन याद रखेंगे आपको ऑप्शन ढूंढना है, आप 2023 को प्राथमिकता देना है, 2023 में क्या है इसे लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है, ठीक। तो यहां पे क्या है इस गगनयान मिशन में क्या है, तीन महत्वपूर्ण जो है वहां पे मिशन होगा, तीन हम क्या है यहां पे तीन चरणों में इसे भेजेंगे। तो पहले दो चरणों में क्या है वो अनमैन्ड रहेगा, मानव रहित रहेगा, मानव रहित रहेगा, और मानव रहित रहेगा तो वहां पे सबसे दो महत्वपूर्ण मिशन में क्या है इसी व्योम मित्र को भेजेंगे जो हाफ ह्यूमनाइड है, जिसमें कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर प्रेशर से लेके शारीरिक बदलाव जो होते हैं उन सभी चीजें इसमें हम मेजर कर पाएंगे इस ह्यूमनाइड में, व्योम मित्र में। उसके बाद क्या है मानव रहित दो हो गया, अब उसको ऑब्जर्वेशन के बाद थर्ड में हम क्या है तीन महत्वपूर्ण लोगों को भेजेंगे, भारत से तीन जो है एस्ट्रोनॉट जो है जाने वाले हैं, जो क्या है मानव युक्त होंगे, यानी कि भारत का पहला मानव मिशन द मेडन मेडन जो है फ्लाइट टू द स्पेस, जो ह्यूमन जहां पे हम ह्यूमन को भेजेंगे वो क्या होगा थर्ड वाले में हम भेजेंगे, तो ये याद रखेंगे इससे संबंधित है। तो किससे सा रिलेशन है, गगनयान से रिलेशन है, आदित्य बल ने सूर्य की करुणा का अध्ययन करने के लिए हम इसे हम भी मिशन इसरो का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसे ही भेजने वाले हैं। उसके बाद देखिए सुमेलित जोड़ी नहीं है, मिस मैच पेयर इस ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में, तो ये करेक्ट मैच्ड है। ध्रुवास्त्र नाग मिसाइल का आर्मी संस्करण, रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये भी करेक्टली मैच्ड है। सी मंत्रा भारत का पहला मानव रहित टैंक, ठीक है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। यहां पे याद रखेंगे ध्रुवास्त्र, ध्रुवास्त्र जो है मिसमैच है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन जरूर है। देखो नाग मिसाइल, नाग क्या है बेसिकली एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, और नाग मिसाइल के अलग अलग वर्जन है, मैंने बताया था एक वर्जन जैसे हेलिना है, हेलिना तो हेलीकॉप्टर, हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, ठीक, वैसे ही ध्रुवास्त्र है। तो ध्रुवास्त्र क्या है बेसिकली याद रखेंगे इसका आर्मी संस्करण ना होके क्या है, ध्रुवास्त्र आर्मी संस्करण ना होके इसका क्या है वायुसेना संस्करण है, यानी कि एयरफोर्स जो है वर्जन है वायुसेना संस्करण। तो इस प्रकार क्या हो गया बी इसका मिसमैच पेयर है, ध्रुवास्त्र नाग मिसाइल का वायुसेना संस्करण है इसका ये करेक्ट उत्तर है। तो इस प्रकार याद रखेंगे बी इज द राइट आंसर। ये बातें सभी क्लियर हो गई। अब यहां आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर किया, ऑल्दो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने लाइक हमारे सेशन में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लाइक फैक्ट को ऑलरेडी हम सेशन के दौरान हम डिस्कस कर चुके हैं,
जो आपके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है अभी प्रीलिम्स एग्जाम तक, या हो सकता है आगे जो भी हम जो है आपको मैसेज मिले अकॉर्डिंगली वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि यहाँ पे इतने समय तक के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो भी हम सेशन हम कवर कराए हैं या जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हमारी संस्था के द्वारा, ये बहुत वैल्यूएबल है जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर देना जरूरी समझता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी की फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में जो है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर किए, ये क्वेश्चन जो है उसका एक क्रक्स हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए इस दोनों सेशन के सभी क्वेश्चंस को आप कवर करिए। डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में उस सेशन को जरूर देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।